बुलंदशहर आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला। बुलंदशहर एसएसपी ने 5 नामजद आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम किया घोषित। पुलिस का दावा, षड्यंत्र रचने के 2 नामजद आरोपी घटना से 2 दिन पहले ही चले गए विदेश। पुलिस ने शेष नामजद आरोपियों का जारी किया लुकआउट नोटिस। आरएलडी नेता हाजी यूनुस को भी अस्थायी तौर पर मुहैया कराए गए पुलिस सुरक्षा कर्मी। बुलंदशहर कोतवाली देहात के भाईपुर इलाके में आरएलडी नेता के काफिले पर हुआ था जानलेवा हमला। विशेष संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट। वार्डी के द्वारा कुल 6 नामित अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा साजिश के तहत दर्ज कराया गया, जिसमें से एक अभियुक्त अनस, जो इनका सगा भतीजा है, वो पूर्व से जेल में निरुद्ध है। शेष 3 भतीजे इनके और हैं, उनमें से एक दानिश 2 दिन पहले प्लानिंग के तहत विदेश चला गया है, और एक हारिस है जो इनके ही भतीजे जैद का साला है, वो भी विदेश यूएई में है। एक इसमें अन्य अभियुक्त जैद है, जैद के बारे में था, उसके पास पासपोर्ट है, हमने उस संबंध में लुकआउट नोटिस जारी करा दिया है, और सभी नामित अभियुक्तों के विरुद्ध 25,000 रूपये की पुरस्कार राशि की घोषणा आज की गई है।